नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जनरल पैथोलॉजी के बारे में। तो ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेरियस बॉडी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी बॉडी कौन से डिजीज या कौन से प्लेस पे पाई जाती है। तो वन बाई वन करके दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें असाब बॉडी। असाब बॉडी जो है ये पाई जाती है रूमेटिक फीवर में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड बॉडी या ये पाई जाती है सार्कोइडोसिस या स्पोरोट्राइकोसिस, तो ये सार्कोइडोसिस वाला ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। तीसरा है कैबोट्स रिंग, ये पाई जाती है रिमेनेंट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन सीवियर एनीमिया। जो एनीमिया होती है सीवियर, उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रिमेनेंट पार्ट होता है, उसमें ये पाई जाती है। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, जबकि याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है साइट्रॉन। साइट्रॉन बॉडी जो पाई जाती है कोलिस्टीडियम सेप्टिकम, ये बैक्टीरिया होती है जो सेप्सिस कॉज करती है, उस कंडीशन में ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है साइवेट, इसको बोलते हैं कोलाइड। लाइकेन प्लैनस, इस कंडीशन में ये देखने को साइवेट बॉडी जो है कि पाई जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। छः नंबर पे है काउंसिल मैन। काउंसिल मैन बॉडी जो होती है एलो फीवर या वायरल हेपेटाइटिस में भी पूछी जाती है, तो वायरल हेपेटाइटिस वाला ध्यान रखना आपको। सेवन नंबर की पॉइंट है दोस्तों क्रियोला बॉडी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये अस्थमा में पाया जाता है, जो अस्थमा में लंग्स होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम स्लग हो जाती है, इस तरह की कंडीशन में ये देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट है आठवें नंबर की पॉइंट डोनर बॉडी जाती है। नाइन नंबर पे है फेरजिनस बॉडी, ये पाई जाती है एजवेस्टोसिस। एजवेस्टोसिस जो होती है, अगर कोई वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, तो उसमें लंग्स की प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में ये पाई जाती है फेरिजिनस बॉडी। टेन नंबर है एलडी बॉडी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काला आजार में पाई जाती है या लिस्मानिया। इलेवेंथ नंबर लेविज बॉडी, जो पाई जाती है पार्किंसंस डी में। ट्वेल्व नंबर है नेग्री बॉडी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेविज में, कि नेग्री बॉडी इज फाउंड इन रेविज में पाई जाती है, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसमें पाई जाती है। थैंक यू।